मनीला के बंदरगाह पर पड़े इन कंटेनरों ने लगभग एक युद्ध भड़का दिया था। कचरे से ये भरे हुए थे, इसमें वयस्कों के डायपर भी थे और फिलीपींस ने उन्हें अपने देश में उतारने से मना कर दिया था। राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने ट्रूडो को कहा कि एक हफ्ता है वरना युद्ध होगा। करीब 6 साल तक धूप में सड़ने के बाद वो कचरा कनाडा ने आखिरकार वापस उठाया और उसे जलाना पड़ा। हर जगह ये खबर सुर्खियों में रही। उसने पूरी दुनिया में फैले प्लास्टिक वेस्ट नेटवर्क के स्याह पक्ष को भी उजागर कर दिया। भ्रष्टाचार से चूर उस नेटवर्क में निजी कारोबारियों और गैर जिम्मेदार प्रतिष्ठानों का बोलबाला है। इंटरपोल ने मामले को और संगीन पाया है। अक्सर वही नाम दूसरे अपराधों में भी पाए जाते हैं। पैसों की हेराफेरी, वित्तीय घोटाले, टैक्स चोरी, धोखाधड़ी, सारे अपराधी वही हैं। और इस नेटवर्क को चलाने वाली करेंसी है प्लास्टिक का कचरा। मैं माजरा समझना चाहती हूँ, लेकिन जिस किसी से भी बात कर रही हूँ लगता है वो कोर्ट में जवाब दे रहा है। तो आखिर ये ग्लोबल प्लास्टिक का व्यापार काम कैसे करता है और इस झमेले से हम खुद को कैसे निकालें? बात आती है चीन की। 90 के दशक में चीन दुनिया का उत्पादक बन रहा था। हर रोज शिपिंग कंटेनरों में हर किस्म का माल भरकर अमेरिका और यूरोप जाता था, लेकिन जब वो कंटेनर खाली आते थे तो वो एक और बड़े मुनाफे का जरिया बन गए। पश्चिम ने अपनी इस्तेमाल चीजों का कचरा जमा किया और उसे चीन की ओर रवाना कर दिया। चीन जितना कर सकता था उतना रिसाइकल कर देता और नए उत्पाद वापस भेज देता और खपत के लिए, और ये चक्र चलता रहा। ये बहुत ही सस्ता भी था। जैसे 2020 में घरेलू स्तर पर एक टन कचरे के निपटारे में करीब $85 लग जाते थे, लेकिन महज $35 में उतना ही कचरा जहाज से चीन चला जाता था। भला इससे बेहतर सौदा और क्या होता? जब निम्न स्तर का या दूषित प्लास्टिक चीन को भेजा जाता था तो उसे सस्ती मजदूरी से ठिकाने लगा दिया जाता या उसे कहीं फेंकवा कर जला दिया जाता। कुछ ही साल में कचरा फेंकने और जलाने के ठिकानों के पास बसे कई चीनी शहर प्रदूषित हवा और पानी की शिकायत करने लगे। कैंसर की दर बढ़ गई। तो 2018 में चीन ने सोचा बस बहुत हुआ। उसने असरदार ढंग से तमाम प्लास्टिक कचरा आयात पर रोक लगा दी और दुनिया ने अपना नंबर वन रिसाइकलर गवा दिया। लेकिन चीन तैयार था। उसकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी थी और अब चीन में ही इतना कचरा पैदा होने लगा था कि रिसाइकलिंग के लिए कच्चे माल की कमी नहीं हुई। तो रोक के बाद के हालात ये थे कि बाकी दुनिया हाहाकार कर उठी। कुछ कचरा तो देशों में ही जलाया गया, लेकिन कचरे से लदे जहाज लगातार नए ठिकाने तलाश रहे थे। जल्द ही वो ठिकाने चीन के पड़ोसी देशों के रूप में मिल भी गए, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एक्सेट्रा। हेंगचुन मलेशिया में ग्रीन पीस से जुड़े हैं। मलेशिया कचरे का अग्रणी आयातक देश बन गया। कचरा लेने में भारत का नंबर चौथा है। ग्रीन पीस ने नागरिकों के साथ मिलकर मांग की है कि पश्चिमी देश अपने कचरे के डंपिंग ठिकानों के रूप में उनका इस्तेमाल करना बंद करें। खासकर अमीर देश जो बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं और फिर अपनी उस समस्या को गरीब देशों की ओर धकेल लेते हैं। लेकिन बात बिगड़ती है यहाँ पर। आप किसी भी प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं कर सकते, उनके भी ग्रेड होते हैं। ये कंटेनर की तली पर दर्ज होता है। हर ग्रेड के प्लास्टिक को अपने स्तर की रिसाइकलिंग की जरूरत होती है एक खास रिसाइकलिंग प्लांट में। सिर्फ हाई ग्रेड वाले प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि शैम्पू की बॉटल या डिटर्जेंट के डिब्बे, क्योंकि उसमें रिसाइकल से हासिल उत्पाद का मूल्य बना रहता है। लेकिन स्टायरोफोम जैसी चीजें जिसमें खाना आता है वो कभी रिसाइकल नहीं हो सकती। ठीक है, मान लेते हैं ये कंटेनर प्लास्टिक से भरा है। युहानी ग्रोसमन दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों में भ्रष्टाचार का पता लगा रहे हैं। इसका भुगतान सरकार को करना होगा, शायद $5,000 लगेंगे इसे रिसाइकल करने में। कंपनी कहती है हम तो रिसाइकल करेंगे नहीं, तो हम $1,000 अपने पास रखेंगे और $500 में कंटेनर को इंडोनेशिया भेज देंगे। वहां इसे ठिकाने लगाने के लिए किसी को $1,000 देंगे, उसके बाद भी हमारा $2,500 का मुनाफा कहीं नहीं गया। ऐसे काम होता है। एशियाई देशों में कंपनियां उस प्लास्टिक को लेने को तैयार रहती हैं। कचरे को जमा करने वाले केंद्र यहां बहुत कम विकसित हैं। उभरते रिसाइकलिंग उद्योगों को चलाने के लिए साफ प्लास्टिक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहां पर कानून तोड़े जा सकते हैं। बाजल संधि में तय किया गया है कि कौन से प्लास्टिक व्यापार लायक हैं, कौन से नहीं। जैसे संधि के मुताबिक दूषित या लो ग्रेड प्लास्टिकों को रवाना करने से पहले प्राप्तकर्ता देशों की सरकार से विशेष अनुमति चाहिए होती है।
लेकिन जांच में पाया गया है कि प्लास्टिक के कारोबारी संधि का उल्लंघन करने के तरीके निकाल चुके हैं, जैसे जहाजों में कचरे को गलत लेबलिंग के साथ लादा जाता है ताकि पश्चिमी देशों में कस्टम चेकिंग में वो पास हो सकें। फिर विकासशील देशों में भी कोई चेकिंग अगर हो तो कंपनियां उससे बच सकती हैं। ऐसे भ्रष्टाचार खुलेआम अपना खेल दिखाता है, यानी अधिकारियों को घूस खिलाना और कचरे का वारा-न्यारा करना। कचरा एक बार देश में आ जाए तो व्यापारियों को खराब प्लास्टिक से पैसा बनाने का तरीका खोजना होता है। जांचकर्ताओं ने पाया कि कचरा नदियों में, लैंडफिल्स में और बागानों में डाल दिया जाता है। सस्ते मजदूर काम पर लगाए जाते हैं। चीन में यही सब तो होता रहा है, लेकिन इस काम में कहीं ज्यादा आपराधिक तिकड़म लगती है। बड़े अपराधी हवाला तरीकों पर निर्भर रहते हैं। एक कानूनी कचरा कंपनी बना दी जाती है जो कानूनी और गैर कानूनी व्यापार में शामिल होती है, और फिर दोनों तरीकों से आ रहे पैसे का घालमेल होता रहता है। आइल्सा हार्ट के फाउंडेशन ने जांच में पाया है कि कचरा व्यापार उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स का फर्जीवाड़ा चलता है। पर्यावरणीय अपराधों के लिए ये एक असरदार रणनीति है, क्योंकि निजी सेक्टर में अधिकारियों के लिए कानूनी और गैर कानूनी व्यापार में फर्क करना मुश्किल होता है। गैर कानूनी कचरा व्यापार से हर साल 12 अरब डॉलर तक की धनराशि हासिल होती है। कचरे की तस्करी का बहुत सारा मुनाफा निर्यात करने वाले देशों में ही रहता है। आयात करने वाले देश कुछ खास किस्म के कचरे के रीसेल या रीयूज से ही लाभ का एक हिस्सा कमा पाते हैं। 2021 में बाजल संधि ने नियमों को सख्त किया और कई किस्म के प्लास्टिक पर रोक लगाई गई, लेकिन पर्यावरणवादी इसे नाकाफी मानते हैं। अगर हम दरवाजे को जरा भी खुला रखते हैं तो कोई ना कोई अंदर घुस जाएगा। पियर कॉन्डामीन का समूह पर्यावरणीय न्याय की लड़ाई से जुड़ा है। नवंबर 2021 में उसने जर्मन सरकार पर दबाव बनाया था कि वियतनाम को होने वाले कचरे का निर्यात रोका जाए। औसतन जर्मनी में एक व्यक्ति हर रोज 2 किलो तक कचरा पैदा करता है, तो क्या यूरोपीय संघ अपने विशाल कचरे से निपटने के लिए कुछ कर पाएगा? बेहतरीन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाने वाला यूरोपीय संघ अपना कचरा उन देशों में भेज रहा है जहां प्रबंधन का ढांचा कमजोर है। अगर हमारे पास ये क्षमता नहीं है तो जहां कचरा भेजा जा रहा है वहां तो बिल्कुल नहीं है। उनके समूह का कहना है कि जैसे चीन ने किया था, वैसे ही पश्चिमी देशों को भी अपनी खुद की रिसाइकलिंग प्रणालियां विकसित करनी होंगी। लेकिन क्या भारत या मलेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी यही करेंगी, जहां काफी कचरा पैदा हो रहा है? घरेलू और स्थानीय रिसाइकलिंग को प्राथमिकता देनी ही होगी। वैसे रिसाइकलिंग उद्योग तभी कारगर होगा जब हम उस कचरे को घटाएं जो हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, और उसके लिए तुरंत कदम उठाने होंगे।